चाहिए। हम लोग छात्र हैं, हम लोग देश के भविष्य हैं, हम अपनी मांगों को आगे बढ़ाते हैं। हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें योगी जी से सिर्फ इतना चाहिए कि जो ये काला कानून लेके आए हैं संविधान पे धमकियां कर रहे हैं उसको वापस ले, और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो इस भर्ती में ये संविधान वाली भर्ती वाला कानून वापस नहीं ले लेते। चल रहा है जो संविधान पे भर्ती कराने का प्रस्ताव, हम इसको वापस लेते हैं। निजीकरण हम नहीं करेंगे। निजीकरण देखिए, हमने सरकार को इसलिए चुना था कि सरकार हमारे लिए नेतृत्व का काम करेगी, वो लोगों से काम करवाएगी, लेकिन आज ये सरकार दिखा रही है कि उसके पक्ष में नहीं, इसलिए वो निजीकरण करवा रही है। सरकार ये समझ रही कि उनके पक्ष में ठीक है सर, अगर आपसे नहीं संभाल रहा है तो अगली बार हम दूसरे को नेतृत्व भी सौंपेंगे। तो हमारी सरकार से सिर्फ इतनी चेतावनी है, ये चेतावनी है, पहली बार चेतावनी दी जाती है। लोगों ने सरकार चुना था, हमारा अधिकार है कि हम एक बार चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, सर आए हैं, हम सभी एकत्रित होकर के सिर्फ यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए कि संविधान पे जो भी भर्तियां हैं उसको निरस्त किया जाए। संविधान पे हम नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि हम इतना पढ़ लिख करके, हमारे माँ बाप दिन रात खेल करके 18-18 घंटे मेहनत करते हैं, गाँव के किसान के बच्चे हैं हम, और हमारा जो है अस्तित्व तो सिर्फ एक ही चीज से होता है कि जब हम सरकारी नौकरी पा जाते हैं, जब हम सरकारी नौकरी पाते हैं तो हमारी इज्जत बढ़ती है। तो हमारी इज्जत के साथ साथ तो सरकार में हमारा सम्मान बढ़ता है। हम ऐसे माँ बाप के लड़के नहीं है कि हम 20-25 लाख लगा करके कोई व्यवसाय कर लेंगे। अगर व्यवसाय करना होता तो यहाँ 18 घंटा आके आंखें नहीं फोड़ते। हम अपनी मांगों को लेकर के रहेंगे, संविधान वाली भर्ती वापस कीजिए, निरंतर चलती रहेगी। हम सब सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पे वहाँ अपनी बात समय समय पर रखते रहे हैं। जब तक ये प्रस्ताव वापस नहीं ले लिया जाता कि संविधान भर्ती होगी, तब तक हम विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी वहाँ अपनी बात को रखते रहेंगे। लेकिन